हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अथार सचिन अथार। आज काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आऊँ मैं आप लोगों के साथ। तो यहाँ पर है हमारे पास लिथियम आयन बैटरी, जो कि काफ़ी पावरफुल बैटरी मानी जाती है और इसका प्रयोग काफ़ी लोग काफ़ी गैजेट्स में यूज़ कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इस लिथियम आयन बैटरी को अपने घर पे बना सकते हैं, या फिर कुछ ऐसा भी इन्वेंशन कर सकते हैं जो कि आप किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक का मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बगल में बेल आइकन दिखाई पड़ रहा है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो हमारे पास कई तरीके की लिथियम आयन बैटरी बनती रहती हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे यूट्यूबरों ने, जो कि आपको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये 3S का ये BMS है। बहुत सारे यूट्यूबर ने 12 वोल्ट की बैटरी को तो बहुत सारे यूट्यूबरों ने बनाया है, लेकिन जो आज मैं आपको बैटरी दिखाने वाला हूँ ना, वो काफ़ी ज़्यादा अलग टाइप की है और उसको बहुत कम ही लोग बनाते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो बैटरी है वो हम 3S पे नहीं लेकर के 4S पे बना रहे हैं। जैसा कि आप देख पाएंगे, ये 4S का BMS है और ये 3S का BMS है। अगर आप इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो ये भी काफ़ी अलग है, और दोनों ही BMS 40 एम्पियर के हैं, जो कि आपको यहाँ पे कुछ लिखा दिखाई दे जाएगा। आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये देख पा रहे होंगे, दोनों ही 40 एम्पियर के BMS हैं, और एक 3S का है, ये वाला 3S का है और ये वाला 4S का है। तो इनमें अलग अलग डिफरेंस क्या है मैं आपको ये भी बता देता हूँ इसी वीडियो में, क्योंकि आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार ना करना पड़े। तो ये जो 3S और 4S का मतलब है कि जो 3S होता है उसमें 3 सीरीज होती हैं, और जो 4S होता है वो उसमें 4 सीरीज होती हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये लिथियम आयन बैटरी है, इसमें 4 बैटरी की सीरीज मैंने बना रखी है। जैसा कि आप देख पाएंगे, ये पहला पॉइंट प्लस है और दूसरा माइनस, और जो तीसरा है वो प्लस है और जो चौथा है वो है माइनस। जी हाँ फ्रेंड्स, तो ये होती है 4S की सीरीज। अगर हम बात करें लिथियम आयन 3S की बैटरी, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जहाँ पर आप देख पाएंगे, ये हमारी 3S की बैटरी है, जो कि मैंने आपको कहा दिखाने के लिए, तो मैंने आपको दिखा दिया। अगर हम लोग इसको इस तरीके रखते हैं तो कुछ आपको इस तरीके नजर आएगा कि जो पहला पॉइंट है वो प्लस दिखाई देगा, और जो दूसरा पॉइंट है वो माइनस नजर आएगा, और जो तीसरा पॉइंट है वो प्लस नजर आएगा। तो ये आपकी 3S की सीरीज हो गई, और यहाँ पर ये 4S की सीरीज है। और अगर हम लोग AH की बात करें, तो आपको AH चाहे जितने AH की चाहिए हो, ये BMS काम करेगा। अगर आप 50 AH में भी 40 एम्पियर का BMS लगा देंगे तो कोई भी बुरा नहीं है, आराम से ये वर्क करेगा। AH आप कुछ भी लगा सकते हैं। अगर हमको AH बढ़ाना होगा तो यहाँ पर हम लोग अपनी जो जितनी भी बैटरीज हैं, जैसा कि आप देख पाएंगे, ये जो है 20 AH की बैटरी है और ये जो है 15 AH की बैटरी है। तो अगर आपको AH बढ़ाना है तो आप इधर से सेल भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर भी आपको सेल बढ़ाने हैं तो यहाँ पर भी आप सेल बढ़ा सकते हैं, जिससे कि आपका जो AH है वो बढ़ जाएगा। अभी चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग बैटरी पैक को रेडी करते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा प्लस पॉइंट है, और यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे माइनस। तो हमने कुछ इस तरीके की निकल स्ट्रिप खरीद ली है, मार्केट में आसानी से उपलब्ध है। अगर आपको नहीं मिल पाती है तो आप सोल्डिंग आयरन की मदद से यहाँ पर सोल्डिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने निकल स्ट्रिप खरीद ली है, मार्केट में आसानी से उपलब्ध है। अगर आपके मार्केट में निकिल स्ट्रिप नहीं मिलती है तो आप सोल्डिंग आयरन की मदद से अपनी सीरीज को वायर से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने गलती से कहीं पर दूसरी जगह वायर को कनेक्ट कर दिया तो शॉर्ट सर्किट का भी खतरा बना रहता है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो प्लस पॉइंट है उसको हम लोग छोड़ देंगे और यहाँ पर अपनी निकिल स्ट्रिप को अटैच कर देंगे, जैसा कि आप देख रहे होंगे।
तो यहाँ पर मैंने अभी पूरे स्पॉट कर लिए हैं, और स्पॉट करने के बाद हम लोगों को क्या करना होगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको करना ये होगा कि जहाँ पे ये जो माइनस पॉइंट है वहाँ पे हम लोगों को माइनस लिखना होगा, और जहाँ पे प्लस पॉइंट है जैसा कि आप देख पाएंगे ये प्लस पॉइंट है, तो यहाँ पे हम लोगों को प्लस लिखना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद जो सीरीज है वो कुछ इस तरीके मैंने बनाई है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ज्वाइंट है, और पीछे आप देखेंगे तो दोनों ही साइड ज्वाइंट है, प्लस माइनस। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर मेरी जो माइनस सीरीज है वो यहाँ से स्टार्ट हुई है, तो यहाँ पे मैंने सिंगल स्ट्रिप निकाली है, ये देखिए यहाँ से स्टार्ट हुई है, उसके बाद यहाँ पे प्लस दे रखा है और यहाँ पे माइनस में शॉर्ट हुआ है। जब माइनस में शॉर्ट हुआ है तो यहाँ से आ करके कुछ इस तरीके ये गुजर रहा है, जैसा कि आप अगर अब देखना चाहेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का ये माइनस है, और माइनस से हो करके ये कुछ इस तरीके जो बैटरी पैक है वो कुछ इस तरीके बना हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसा कि मैंने माइनस निकाला है और यहाँ पे प्लस निकाला है, तो ये पूरा ये देखिए माइनस निकला हुआ है और यहाँ पे प्लस। तो अभी क्या है, हमको यहाँ पे 4S का BMS लगाना है। तो 4S का BMS कैसे लगाते हैं, अगर आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो आप मोबाइल पे भी सर्च कर सकते हैं। मोबाइल पे सर्च करते हैं कैसे सर्च करेंगे ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने BMS ले लिया है 4S का, और ये मेरा बैटरी पैक रेडी था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा टेपिंग कर ली है कि ताकि जो है शॉर्ट सर्किट की दिक्कत ना हो। यहाँ पे मैंने एक दूसरे फोन में अपना सर्च कर लिया है, जैसा कि आप देख पाएंगे ये BMS इसमें मैंने सर्च कर लिया है, इसमें आपको डेटा शीट मिल जाएगी। आपको सर्च क्या करना है, 4S BMS डेटा शीट, या फिर आप जितने भी S का BMS लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप डेटा शीट सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी आपको दिखाई दे रहा होगा वो डेटा शीट है BMS की, कि कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं। तो चलिए एक बार हम लोग सामने भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये BMS है, और BMS को इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को BMS को इस तरीके रखना है कि जो प्लस और माइनस का सिस्टम है वो थोड़ा आगे की तरफ नजर आए। जी हाँ फ्रेंड्स, और यहाँ पे ये आप देख पाएंगे वोल्टेज माइनस लिखा हुआ है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर हमारा जो है जीरो सीरीज लगेगी। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पे आप देख पाएंगे ये 4.2 लिखा हुआ है, वहां पे हमारी दूसरी सीरीज लिखेगी, और जहां पर हमारी तीसरी सीरीज लगेगी वो यहाँ पे लगेगी, जहां पर 12.6 लिखा हुआ है, और चौथी सीरीज हमारी लगेगी वो लगेगी 16.8 पे। जी हाँ फ्रेंड, तो ये चीजें हैं, हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये सारी चीजें इसमें आपको सेटिंग करनी होगी। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ कलर कोडिंग के वायर देखने को मिलते हैं, और हमने कुछ सोल्डिंग आयरन का रंगा ले रखा है, और एक सोल्डिंग आयरन ले रखी है। तो यहाँ पर हमारे पास ये सोल्डिंग आयरन है, अभी हम लोग इसको इंस्टॉल करते हैं, फिर आपको थोड़ा सा डीपली में समझाएंगे। तो अभी मैंने इसके BMS का कनेक्शन कर लिया है, कुछ इस तरीके दिखाई देता है। तो यहाँ पर मैंने जो 0 पॉइंट है वो यहाँ पे माइनस पे अटैच करना होगा, और जो दूसरी सीरीज है वहाँ पर 4.2 लिखा हुआ है, और जो तीसरी सीरीज है वहाँ पे 8.4 लिखा हुआ है, और जो चौथी सीरीज है वहाँ पे 12.6 लिखा हुआ है, और जो पांचवी प्लस सीरीज है उसमें आपको 16.8 वोल्ट देखने को मिलता है। अभी यहाँ पे प्लस माइनस में हमारी पूरी वोल्टेज प्रॉपर आ रही है, तो बैटरी को एक बार पहले चार्ज कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि ये फुल चार्ज कितनी होती है और फुल डिस्चार्ज कितनी होती है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने दो कलर के वायर ले लिए हैं, एक ब्लैक कलर का वायर है और एक रेड कलर का वायर है। तो यहाँ पर हम लोग अपने BMS से जो प्लस पॉइंट है उस पर प्लस में रेड कलर का वायर लगाते हैं कि ताकि कोई भी दिक्कत ना हो, और यहाँ पे जो माइनस है उसमें ब्लैक कलर का वायर लगाते हैं, तो जो कि
हम लोग इसमें अपने BMM से अटैच कर लेंगे, और फिर हम लोगों को बैटरी बूस्टर एक होता है, अगर बैटरी बूस्टर नहीं है आपके पास तो आप जो भी आपके पास चार्जर होगा आप उससे अटैच कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोगों को वायर को हल्का सा छील लेना होगा, और उसके बाद हमको चार्जिंग लगानी होगी इसमें। देख पाएंगे आप मेरी बैटरी चार्ज होने लगी है, आपकी भी कुछ इस तरीके की बैटरी चार्ज होने लगी है, और जब आपकी बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी तो कितने वोल्टेज देगी आपको, ना ये भी आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा, और कितना डिस्चार्ज होगी ये भी आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो बगल में बेल आइकन दिखाई पड़ रहा है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली जो लेटेस्ट अपडेट है वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, उम्मीद करूंगा वीडियो पसंद आई होगी।